हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है सिवाय गेमिंग के एक कोई न्यू पीसी बिल्ड वीडियो में। तो ये अपना ये लाइव पीसी बिल्ड रहने वाला है, और इससे पहले जितने भी हम पीसी बिल्ड किए थे वो सारे ऑनलाइन आपको सिर्फ अमेजोन हो गया ऑनलाइन वेबसाइट पे दिखाया था कि कैसे में कितने में कौन सा पीसी बाय होगा। ये हम पूरा सेटअप खुद बिल्ड रहने वाले है, तो कई में इसके अंदर सारी चीज़ें हैं जिसमें अपना नॉर्मल एक पीसी बिल्ड में होना चाहिए, कॉपी कार्ड से लेकर मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और अगर आपको भी पीसी बाय करना हो तो आप हमारे एक हमने सेल स्टार्ट की थी जिसमें हमने 10,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक के सारे पीसी बिट के बारे में बताया था। आप यूट्यूब पर जा अपने चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सिर्फ आपको चैनल पर जाकर सिवाय गेमिंग लिख कर पार्ट 1, आपको जितने भी पीसी बिट की वीडियो चाहिए वो डाल देना, आपके सामने वो पीसी बिट की वीडियो आ जाएगी 10K 20 के। हाँ, बस याद रखना कि आपको अगर 25 का भी चाहिए होगा तो यहाँ तो फिर आपको 30 डालना होगा, या 20 हज़ार डालना होगा, 30 हज़ार चाहे 20 हज़ार, क्योंकि उस आपको 25 डालोगे उसमें नहीं आएगा, क्योंकि हमने खुद 10 पार्ट बनाए थे इसके। तो ठीक है, उस टॉपिक को छोड़ते हुए अपने इस टॉपिक पर आते हैं। तो चलो ठीक है, तो हम इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपना अपना ये प्रोसेसर। तो हमने इसमें यूज़ किया है AMD का i5 5700G प्रोसेसर, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है, और इसमें इन बिल्ट कॉपी कार्ड आते हैं 16 कोर 12 थ्रेड के साथ एक प्रोसेसर आता है, जो कि काफ़ी बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रदान हो जाएगा। और इसमें आपको 3.4 GB मिलता है और काफ़ी बेस्ट है इन बिल्ट कॉपी कार्ड की वजह से। अगर इन फ्यूचर आपका GPU में कुछ समस्या आती है, या फिर आप GPU नहीं बाय कर पास नहीं करते हो, फिर भी आपको एक अच्छी खासी गेमिंग परफॉर्मेंस दे देगा ये। और इसी के साथ नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पर अपना कंपोनेंट है वो है एम। तो हमने इसमें यूज की है XPG की गेमिंग DDR3 16 GB एम, जो कि DDR4 है और 3200 MHz की एम है। और अगर आप इसको बाय करने जाओगे तो ये आपको करीबन ना ना पे मानते हुए 3000 से ऊपर ही मिलेगी, 3000 3200 से। वो ये पूरा पीसी सेटअप जब मैंने इसको बाय किया था, मैंने करीबन आपको इसके 6 मंथ पहले बाय किया था, तब ये मेरे को करीबन 56,000 में मिला था, मतलब 55 से 56 हज़ार रुपये में कुल मिला था। और अभी तो ये सस्ता हो जाएगा, अभी तो आपने थंबनेल में देख लिया होगा वैसे कितने का मिला है ये। तो ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में हमने यूज किया है ए डाटा की 512 वाट की एक हाई पावर SSD, जो कि एक 710 SSD है, और Gen3+4 M2 है, M2 SSD है, और काफ़ी पावर डाटा ट्रांसफर करती है। इसकी मैक्स डाटा ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी यहाँ पे लिखी थी तो रहती है किधर भी, मैं आपको देख कर दिखाता हूँ। इसकी मैक्स डाटा ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी है 1 मिनट देना, इस पर तो मेंशन नहीं किया, पर आपको डिस्प्ले पर नीचे लिखी लिखी थी कि आई होगी। हाँ तो दोस्तों, इसके साथ अपना नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है ग्राफिक कार्ड। तो हमने इसमें यूज किया है अपना तगड़ा वाला 10K के अंदर आने वाला बेस्ट ग्राफिक कार्ड। हालांकि अभी तो ये 10K नहीं, अभी तो ऑलमोस्ट 13 से 15 हज़ार के बीच में आता होगा, मैंने अभी चेक नहीं किया। तो कुछ दिन पहले चेक किया था, जब तब ये 14 हज़ार रुपये का आया था, मैंने इसको 10 हज़ार रुपये में ऑनलाइन बाई किया है। और हमने इसमें यूज किया है आसूस का RX560 4 GB का ड्यूल फैन ग्राफिक कार्ड है, जो कि 4 GB का बहुत DDR5 कॉपी कार्ड है, वो बहुत तगड़ी गेमिंग परफॉर्मेंस निकाल के देगा। साथ में ये भी AMD को सपोर्ट करता है, AMD प्रोसेसर को तो काफ़ी खतरनाक, आपको इसमें कोई परफॉर्मेंस डाउन परफॉर्मेंस देने को नहीं मिलेगी। आप इसको इंटेल आईफोन दोनों के साथ सपोर्ट कर सकते हो, और रॉकस्टार की तरफ से आने वाला गेमिंग कॉपी कार्ड है, यहाँ पे लिख भी लगा होगा। और सारी परफॉर्मेंस आपको इसके पीछे की तरफ देगी, कितना MM का फोन, क्या फैन है इसके अंदर, कितना गर्म करेगा। इसके आपको अंदर HDMI और VGA पोर्ट मिल जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पे हमने यूज की है अपना MSI B, हाँ MSI B550M Pro VDS Max मदरबोर्ड है, जो कि करीबन 7 हज़ार रुपये के अराउंड अभी मिला है, 7 हज़ार नहीं, 5 हज़ार के अराउंड अभी मिला है। और ये AMD के साथ आता है, इसमें आपको 4 M स्लॉट और एक प्रोसेसर स्लॉट, अपने सारे वो बेसिक चीज़ें मिल जाएगी जो कि अपने एक होनी चाहिए हुई है। इसके यहाँ पे सारे इसके पोर्ट हो गए। और इसी के साथ नेक्स्ट पर यूज़ किया है हमने
अपना गीगावाइट का P550 पावर सप्लाई। हालांकि आप 500 भी लेते तो भी यूज हो जाता, पर इनविड अगर आप अपग्रेड करते हो तो 550 या 600 इन पड़ेगी। साथ में 120 mm का इसमें IGBL आपको नॉर्मल फैन देखने को मिल जाएगा, जो भी काफी खतरनाक इसको कूलिंग प्रदान करता है। और गीगाबाइट की तरफ से आने वाली है, और नो डाउट कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होने वाली है इस पावर सप्लाई में। और इसी के साथ नेक्स्ट पर यूज करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पर हम लेते हैं अपना कीबोर्ड माउस। तो हमने जेबोनिस का द टिच टू एन गेमिंग कैबिनेट यूज किया है, जो कि मैंने बाय किए थे 1500 रुपये में। अभी ये लगभग 1200 रुपये, यहाँ हाँ 1200 रुपये केबिन मिले हैं। तो ये गेमिंग कीबोर्ड माउस कॉम्बो है, 8 GB लाइटिंग के साथ आता है। कीबोर्ड माउस में आपको 6 बटन के साथ मिलता है ये, और काफ़ी खतरनाक कॉम्बो है। इसमें आपको वायरलेस नहीं है, ये अपने केबल के साथ आता है, और काफ़ी खतरनाक 104 की के साथ माउस में 6 बटन मिल जाएंगे आपको, 8 GB लाइटिंग मिल जाएंगे, और हाई DPI पोर्ट आपको 3200 मिल जाएंगे, लो DPI पोर्ट 1000 DPI तक मिल जाएंगे। बहुत सारे पोर्ट है, आप लोग वीडियो को स्टॉप करके बढ़ सकते हो। और इसी के साथ नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पर हमने यूज किया है अपना सेन अपना डेल डेल के तरफ से आने वाला डेल का 24 इंची मॉनिटर, जो कि एक गेमिंग मॉनिटर है। और ये कई पेन अपन को 10,000 रुपये का केबिन मिला था, अभी भी वही प्राइजिंग है, प्राइजिंग इसकी डाउन नहीं हुई है। और एक तगड़ा है, मतलब 23.8 इंची है पूरा, 24 इंची भी नहीं है। और इसमें आपको HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है डेल का 24 इंची मॉनिटर, और इसके पीछे की तरफ यहाँ पे पूरी जानकारी दी थी कि आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हो। और यहाँ पे ये लिखे गए S24 S24 21 NH मोनिटर है, और बहुत इतना आप इसको दीवार पे भी यहाँ पे टंगिंग कर सकते हो। इसके मेलने के लिए स्टैंड हो गया, HDMI के 2 पोर्ट देखने को मिल जाएंगे, और एक आपको यहाँ पे ऑडियो मतलब अपना हेडफोन पोर्ट देखने को मिल जाएगा। और इसके साथ हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट और अपना अंतिम है, तो इस पर हमने यूज किया है अपना गेमिंग कैबिनेट, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हमने इसमें RGB गेमिंग कैबिनेट यूज किया है, जो कि एंटी स्पॉट का है, और इंटेल 1100 है, ई स्पोर्ट की तरफ से आने वाला है। इसके अंदर आपको 3 RGB पेन देखने को मिल जाएंगे, एक पीछे की तरफ देखने को मिल जाएगा, और पावर सप्लाई के साथ काफ़ी खतरनाक आता है ये गेमिंग कैबिनेट। और यदि आपको कुछ जानकारी दिया है कि RTX मतलब वो सपोर्ट कर सकते हैं, साइड में ग्लास पैनल 180 mm का आप इसमें ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो, वाई केबल मैनेजमेंट पीछे तक बहुत खतरनाक होता है, 750 वाट की भी तक पावर सप्लाई आप इसमें लगा सकते हो, और ये आप अच्छा वाला ग्राफिक कार्ड भी इसके अंदर लगा सकते हो। तो ठीक है, इसी के साथ अब आपको मिलते हैं जब अपना पूरा पीसी सेटअप हो जाएगा, इन सबको हटकर पूरा पीसी सेटअप कर दे, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं 2 मिनट में। तो गुड बाय। हाँ तो दोस्तों, फाइनली अपना पूरा सेटअप कंप्लीट हो चुका है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। लेट्स गो। तो अपना पूरा पीसी सेटअप स्टार्ट हो चुका है, एक बार मैं कैमरे को चेक कर लेता हूँ कैसा क्या लुक आया है। डिस्प्ले ऑन हो चुकी है, चलो ठीक है, सब ठीक है, अच्छा लुक आया। तो इसमें कुछ टाइम लगा क्योंकि HDMI केबल अभी लगाए, चलो ठीक है, ऑन हो चुका है। तो अपना ये काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ, जिसमें काफ़ी ज़्यादा AP है अपने। तो अपने को क्या चाहिए सबसे पहले गेमिंग परफॉर्मेंस, तो हम और कोई नहीं सिर्फ और सिर्फ GTA 5 चलाकर देखेंगे। तो ये हमने VPN नज़र कहाँ से आ गया, GTA 5 को ओपन कर दे, ये लस को ऊपर होने वाला है। और आज तब तक ये ओपन होता है, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक प्यार सा कमेंट कर दे, और अपने वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ताकि उनको भी कभी इन फ्यूचर बाय करना हो तो वो भी देख सके। और इसमें आपको लोगों को सारी चीज़ें दी जाएगी, मैं आपको एंड में बिल्कुल पास से दिखा दूंगा। लस को तो इसको ऑन हो जाने दो, जल्दी जल्दी हो जा। दस को तो हो चुका है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसके सबसे पहले आपको सेटिंग दिखा देता हूँ मैं। तो ये हम आते हैं सेटिंग में, ग्राफिक्स में, हाई लेवल की ग्राफिक्स है देखो। और ये बिल्कुल अबे 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 देख,
ये देखो, वे आई वे आई वे आई अल्ट्रा वे आई अल्ट्रा आई, बहुत मतलब मैक्स तो मैक्स सेटिंग है, इससे ऊपर सेटिंग नहीं आ सकती मतलब। तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं अपने GT5 को और इसको प्ले करके देखते हैं कि कैसा क्या परफॉर्मेंस निकाल के देता है ये। तो लेट्स गो, आई होप प्ले हो चुका है अपना GT5। तो द इंस्टॉल योर स्टोरी मोड, तो ये कुछ टाइम इसलिए लिया क्योंकि मैंने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोड डाल रखे हैं अपने। तो जिसने भी हमारी GTX सीरीज जाकर ना देखी वो जाके देखे, बहुत खतरनाक सीरीज है अपनी भी। लेट्स गो, तो उनको स्टार्ट होने वाला है आई थिंक। अभी ये टेलीपोर्ट होगा यहाँ से, लेट्स गो। तो चलो, ये अपनी कार है अभी, मैं इसको इसी को चला के दिखा देता हूँ आप लोगों को। लेट्स गो। तो देखो गेम से ग्राफिक्स क्या खतरनाक आए, ना लेग ना कुछ, कोई डिले विले कुछ नहीं, बिल्कुल जैसा हम चाहते वैसे चला है अबे वो बंदा उठ गया। तो चलो ठीक है, इसी के साथ अभी मैं आपको इसके पास से दिखाता हूँ कैसे क्या है। तो इसके लिए अपने सबसे पहले अपने डिस्प्ले को थोड़ा सा इस तरफ मूव करते और अपने कीबोर्ड माउस को थोड़ा सा इधर कर देंगे और इस कॉम्पोनेंट को हम लोग ऐसे घुमा देंगे ताकि आपको मैं बाद में दिखूंगा, पर अभी चलते हुए पीसी में इसको खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। तो मैं आपके लिए इतने मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर ही सकते हो। लेट्स गो। मैं आई थिंक नहीं चला होगा ये, इस तरह ग्लास को साइड में रखते हैं और मैं कैमरे को ले लेता हूँ अपने हाथ में। लेट्स गो। तो ये देखो, तो चलो ये देखो, ये अपना हो गया। यहाँ पर अपनी एम स्लॉट लगी हुई है, आप लोगों को दिखाई होगी। और ये यहाँ पर अपना RGB अंदर की तरफ फैन होगा, लूम हो गया। ये यहाँ पर GPU फैन जो कि अभी इस वक्त ऑन है, देखो आप लोगों को पता चल जाएगा ड्यूअल फैन है। और यहाँ पर इसके साथ पास में अपनी SSD लगी हुई है नीचे की तरफ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को दिख जाए तो दिखा देता हूँ, पर नहीं दिखेगी आई थिंक। और ये पूरा कैबिनेट का लुक हो गया। तो यहाँ से कुछ पीछे की तरफ जाता हूँ, तो ये भाई देखो मेरा लुक है। तो ठीक है, मजा आज की आया। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं और किसी मैं ये नए जो वीडियो मजा में। है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हिंदुस्तान हो के हर व्यक्ति को तो देना। लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय, जय हिंद, गुड बाय, गुड बाय। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।